इस बार जब मैंने मटर पनीर बनाई ना, तो उसको रेस्टोरेंट स्टाइल रिचनेस देने के लिए मैंने यूज़ करा चीज़, और चीज़ की वजह से सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि घर वाले समझ ही नहीं पाए कि मैंने ऐसा क्या चेंज किया है मेरे मटर पनीर में कि वो इतनी टेस्टी बनी है। रेसिपी भी बहुत सिंपल है, सिर्फ 8 से 10 मिनट में ईजीली बन जाती है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे टमाटर, 2 टमाटर 2 प्याज। एकदम सिंपल सी रेसिपी है, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़े से चिली फ्लेक्स, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा चाट का मसाला, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी रेड चिलीज एंड थोड़ा सा हल्दी का पाउडर एंड धनिया डाल के पेस्ट बना लेना है। इसके बाद इसमें 3 चम्मच बटर डाल के फिर से ब्लेंड कर लेना है। बेस मैंने तैयार कर लिया है, एकदम सिंपल एंड फास्ट, तेल में डाला है, बेस को बहुत अच्छे से भून लेना है, साथ ही मटर भी डाल देंगे ताकि मटर भी इसी बेस के साथ भून जाए, हमारा टाइम बच जाए। 8 मिनट में आप इजीली सब्जी को अच्छे से बना लेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से भून गया है और कुछ करना ही नहीं है, बस पानी डालना है, नमक डालना है, थोड़ा सा शक्कर भी डालें, पनीर डालें, और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने ऐड किया था वो है चीज़, 4 क्यूब आराम से चीज़ के डाल दें, थोड़ा सा बटर डालें, चाहे तो टाइम बचाने के लिए चीज़ को खींच के भी डाल सकते हैं, ढक के रखें 1 से 2 मिनट तक या तब तक जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लें सब्जी के अंदर और इसे सर्व कर लें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें।